दोस्तों आज हम बात करेंगे एक हॉरर ड्रामा फिल्म के बारे में जिसे वन ऑफ द फाइनेस्ट हॉरर फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम्स में गिना जाता है। मैं बात कर रहा हूं 1980 में आई फिल्म द शाइनिंग के बारे में। इसे डायरेक्ट किया है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म मेकर्स इन सिनेमैटिक हिस्ट्री स्टैनली क्यूब्रिक ने, और ये द ग्रेट स्टीफन किंग की सेम नाम की नॉवल पर बेस्ड है। इसमें मेन लीड्स निभाए हैं जैक निकोल्सन, शेली डूवल, स्कैटमैन क्रॉथर्स और डैनी लॉयड ने। पहले मैं आपको इसकी पूरी कहानी बताऊंगा, फिर बात करेंगे इसके टाइटल के बारे में, उसके बाद इसके सिंबोलिज्म की डिस्कशन करेंगे और आखिर में इसकी एंडिंग के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको फॉरेन सिनेमा की उन मूवीज के बारे में जानकारी दूं जो शायद आपको कहीं और ना मिले, इसलिए ऐसी ही और दिलचस्प मूवीज के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि इस फिल्म का हर सीन और लगभग हर डायलॉग बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसकी कहानी को हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में जानेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ये कहानी है टॉरेंस फैमिली और ओवरलुक होटल की। द शाइनिंग शुरू होती है एक ईगल आई व्यू के साथ, जिसमें हम एक येल्लो कार को कोलोराडो माउंटेन से गुजरते हुए देखते हैं। गाड़ी चला रहा है जैक टॉरेंस, जो पिछले 3 घंटे से ड्राइव कर रहा है सुनसान जगह पे मौजूद ओवरलुक होटल में इंटरव्यू देने के लिए। होटल का मैनेजर मिस्टर उलमैन सर्दियों में होटल के केयर टेकर की जॉब के लिए जैक का इंटरव्यू लेता है, क्योंकि सर्दियों के इन महीनों में खराब मौसम के चलते होटल बंद हो जाता है और यहां तक पहुंच पाना भी मुश्किल हो जाता है। हालांकि जैक पहले एक टीचर था, लेकिन होटल से उसे जो शांति और खामोशी मिलेगी उसकी वजह से वो बहुत खुश है, क्योंकि अब वो एक राइटर बनना चाहता है। उलमैन जैक को चेतावनी देता है कि ये जॉब उसे मेंटली आइसोलेट यानी दिमागी तौर पे अलग थलग सा कर सकती है। इस बात का हवाला देने के लिए वो उसे एक हादसे के बारे में बताता है, जिसमें ओवरलुक का पुराना केयरटेकर चार्ल्स ग्रेडी 1970 में कैबिन फीवर की वजह से पागल हो गया था और उसने खुद को मारने से पहले कुल्हाड़ी से अपनी वाइफ और बेटियों को मार दिया था। कैबिन फीवर एक ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत वक्त तक एक ही जगह बंद रहने के बाद कोई भी अपना दिमागी संतुलन खो सकता है। खैर, इस कहानी से जैक के फैसले पे कोई असर नहीं पड़ता और वो जॉब के लिए राजी हो जाता है। इस दौरान जैक की वाइफ वेंडी और बेटा डैनी बोल्डर कोलोराडो के अपने अपार्टमेंट में कार्टून्स देख रहे होते हैं। डैनी सर्दियों के मौसम में ओवरलुक होटल में रहने की बात से थोड़ी उलझन में नजर आता है। ये बात वो वेंडी को बताता है, जो उसे आश्वस्त करती है कि इसमें बहुत मजा आएगा। यहां हमें पता चलता है कि डैनी का एक इमेजिनरी फ्रेंड है जिसका नाम है टोनी। उसकी भी इच्छा नहीं है कि वो लोग होटल में रहें। डैनी बाथरूम में जाता है, जहां वो आईने की तरफ देखते हुए टोनी से पूछता है कि क्या उसे लगता है जैक को जॉब मिलेगी। इस पे टोनी कहता है कि जैक ने जॉब एक्सेप्ट कर ली है और कुछ मिनटों में ही वो वेंडी को कॉल करके खुशखबरी देने वाला है, और यही होता भी है। डैनी उससे पूछता है कि वो होटल में क्यों नहीं जाना चाहता। टोनी बताने से इनकार कर देता है और यहां उसे कुछ अजीब विजन्स नजर आते हैं, जैसे एलिवेटर से बहुत सारा खून निकलना, नीली ड्रेस पहने जुड़वा बहने, और आखिर में वो एक रहस्यमयी हालात में खुद को मुंह खोले हुए देखता है। इन सब चीजों से घबराकर डैनी बेहोश हो जाता है। वेंडी डॉक्टर को बुलाती है। डैनी उसे बताता है कि जब वो बेहोश हुआ तब वो टोनी से बातें कर रहा था। ये एक छोटा लड़का है जो उसके मुंह में रहता है। डॉक्टर उससे पूछती है कि क्या कभी टोनी उसे इंस्ट्रक्शंस देता है, पर डैनी इस बात का जवाब नहीं देता। उसको आराम करने के लिए कहकर डॉक्टर लिविंग रूम में वेंडी को समझाती है कि शारीरिक तौर पर तो डैनी में कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, और उससे ये भी पूछती है कि टोनी डैनी की लाइफ में कब आया। वेंडी को याद आता है कि जब डैनी नर्सरी स्कूल अटेंड कर रहा था तो उसे दोस्त बनाने में मुश्किल हो रही थी, तभी टोनी उसकी जिंदगी में आया। वो डॉक्टर को एक और किस्सा बताती है, जिसमें जैक ने नशे और गुस्से की हालत में डैनी का शोल्डर डिसलोकेट कर दिया था, लेकिन अब जैक शराब नहीं पीता
और उसने वेंडी को प्रॉमिस किया है कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो उसे छोड़कर जा सकती है। कुछ दिनों के बाद टॉरेंस फैमिली होटल के लिए रवाना हो जाती है। वेंडी पूछती है कि क्या वो डोनर पार्टी ट्रेजेडी के आसपास हैं? ये सुनकर जैक इस हादसे की कहानी डैनी को सुनाता है। 19th सेंचुरी में पायनियर्स का एक ग्रुप सर्दियों में सियरा नवाडा पार करते वक्त फंस गए थे और उनमें से कुछ लोगों को सरवाइव करने के लिए नरभक्षी बनना पड़ा था, यानी नौबत ये आ गई थी कि वो एक दूसरे को खाने लगे थे। वो होटल पहुंचते हैं और वहां का एक टूर लेते हैं। वेंडी को होटल बहुत पसंद आता है और मिस्टर उलमैन उसे बताता है कि कभी ये जगह मूवी स्टार्स और यूएस प्रेसिडेंट के बीच काफी फेमस हुआ करती थी। उलमैन उन्हें होटल के बाहर बनी 13 फीट ऊंची भूल भुलैया दिखाता है, ये कहते हुए कि वो इसमें नहीं घुसेगा वरना उसे बाहर का रास्ता ढूंढने में 1 घंटा लग जाएगा। वो उन्हें यह भी बताता है कि ये होटल नेटिव अमेरिकन के कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। जब बड़े लोग स्टोर पे होते हैं तब डैनी होटल के गेम रूम में डार्ट से खेल रहा होता है। वो अपने पीछे फिर से उन जुड़वा बहनों को देखता है जो उसे विजन्स में नजर आई थी। वो कुछ देर उसको देखती हैं और एक दूसरे की तरफ स्माइल करके वहां से चली जाती हैं। उलमैन फिर उन्हें गोल्ड रूम यानी कि होटल का बॉल रूम दिखाता है और उन्हें बताता है कि स्टाफ सर्दियों में होटल का एल्कोहल स्टॉक यहां से हटा देता है। जैक उसे बताता है कि वो ड्रिंक नहीं करते। फिर वो होटल के शेफ डिक हैलोरन से मिलते हैं। कुछ देर के बाद उलमैन की सेक्रेटरी डैनी को उसके पेरेंट्स के पास ले आती है। उलमैन डिक को कहता है कि वेंडी और डैनी को किचन दिखाओ और वो जैक के साथ अलग से अपना टूर जारी रखता है। वो एक बहुत बड़ा किचन होता है। डिक वेंडी को कहता है कि सर्दियों में उन्हें किचन में हर तरह का खाना मिलेगा जिसकी उन्हें जरूरत पड़ सकती है। वहीं वो डैनी को डॉग नाम से पुकारता है। वेंडी उसे पूछती है कि उसे कैसे पता कि यही डैनी का निकनेम है। डिक समझाता है कि शायद उसने ये वेंडी को कहते हुए सुना होगा, पर वेंडी को पता है कि उसने ऐसा बोला ही नहीं है। हालांकि डिक और वेंडी बातें करना जारी रखते हैं लेकिन डैनी को टेलीपैथिकली डिक की आवाज सुनाई देती है जिसमें वो पूछता है, हाउ डू यू लाइक सम आइसक्रीम डॉग। बड़ों का टूर खत्म होता है और डिक डैनी से टेलीपैथिक एबिलिटी के बारे में सवाल करता है। डैनी इस बारे में बात करने से हिचकिचाता है क्योंकि टोनी ने उसे ऐसा करने से मना किया है। डिक उसे समझाता है कि वो भी टेलीपैथिकली बातचीत कर सकता है और उसने ये अपनी दादी से सीखा था। वो इस पावर को शाइनिंग कहा करती थी। डैनी उसे पूछता है कि क्या उसे इस होटल से डर लगता है या कभी यहाँ कुछ बुरा हुआ है। डिक उसे समझाते हुए कहता है, कुछ बुरी चीजों ने यहाँ अपने निशान छोड़े हैं, वो हमेशा ऐसा ही करती हैं, जिन्हें सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जो शाइन करते हैं। आखिर में डैनी डिक से रूम नंबर 237 के बारे में पूछता है। इस बात पर डैनी रिएक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता है। वो उसे इंसिस्ट करते हुए समझाता है कि हालांकि वहां कुछ नहीं है पर फिर भी उसे वहां से दूर रहना चाहिए। 1 महीने के बाद परिवार अपनी होटल की जिंदगी में ढल रहा है। जैक होटल के बारे में अपने कंफर्ट और खुशियां जाहिर करता है, साथ ही साथ ये भी बताता है कि उसे ये होटल पहली बार देखने के बाद इंटेंस डेजा वो वाली फीलिंग आई थी। ऐसा लगा कि वो होटल के कोने कोने से वाकिफ था। बाद में वो होटल के कोलोराडो रूम में लिखने की कोशिश करता है पर फोकस नहीं कर पाता और बजाय लिखने के दीवार की तरफ टेनिस बॉल फेंकता रहता है। वो एक थ्रो ऐसा करता है कि बॉल लॉबी की तरफ चली जाती है और वो उसके पीछे जाता है। उसका ध्यान बाहर बनी हुई भूल भुलैया के स्केल मॉडल पे जाता है जहां डैनी और वेंडी वॉक कर रहे हैं। वो स्केल मॉडल की तरफ झुकता है और उसे अपनी वाइफ और बेटे के छोटे छोटे गुड़िया जैसे रूप नजर आते हैं जो मेज के सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल इसी वक्त असली डैनी और वेंडी भी बाहर वाली भूल भुलैया के सेंटर में पहुंच जाते हैं। एक थर्सडे को डैनी होटल के हॉल्स में अपनी बाइसिकल चला रहा होता है। वो रूम नंबर 237 के सामने रुकता है और देखता है कि वो तो लॉक्ड है। पास में ही कोलोराडो रूम में वेंडी देखती है कि जैक बहुत ही फ्यूरियसली टाइपिंग कर रहा है। वो जैक से पूछती है कि उसके लिए जो सैंडविच वेंडी ने बनाया था वो उसे पसंद आया। जैक इस बात से इरिटेट हो जाता है और कहता है कि जब वो राइटिंग कर रहा होता है
तो उसे परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उसका ध्यान भटक जाता है। वो उस पर चिल्लाता है, निकलो यहां से, और वो ऐसा ही करती है। कई दिनों के बाद बर्फ पड़ती है। डैनी और वेंडी उसमें खेलने के लिए होटल से बाहर चले जाते हैं। जैक उन्हें खिड़की से देख रहा होता है, उसमें पागलपन सा नजर आता है। एक सैटरडे को वेंडी को पता चलता है कि होटल के फोन्स काम नहीं कर रहे हैं। वो लोकल रेंजर्स को बुलाने के लिए वहां का रेडियो सिस्टम इस्तेमाल करती है, जो उसे बताते हैं कि शायद फोन लाइन्स पूरी सर्दियां बंद ही रहेंगी, क्योंकि बहुत सालों के बाद वो ऐसा खतरनाक बर्फीला तूफान एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इस दौरान डैनी फिर से अपनी बाइसिकल चला रहा है। वो एक कॉर्नर से मुड़ता है और देखता है कि वही जुड़वां बहनें उसका इंतजार कर रही हैं। वो उसे अपने साथ खेलने के लिए कहती हैं, फॉर एवर एंड एवर। इसी से डैनी को नया विजन नजर आता है। इस बार उसे वो मर्डर सीन दिखाई देता है जिसमें उन लड़कियों की मौत हुई थी। डैनी हाथों से अपनी आंखें बंद कर लेता है, और जब वो आंखें खोलता है लड़कियां वहां से जा चुकी होती हैं। टोनी डैनी से कहता है कि इन इमेजेस को किताब में छपी पिक्चर्स की तरह मानो। दिन है मंडे। डैनी होटल लॉबी में अपनी माँ के साथ मूवी देख रहा है। वो होटल रूम से अपना फायर इंजन का खिलौना लेने जाता है। वो दबे पांव चलता है ताकि उसका पिता जाग न जाए, पर वो देखता है कि जैक तो पहले से ही जगा हुआ है और खिड़की से झांक रहा है। जैक डैनी को अपने पास आकर बैठने को कहता है और उसे पूछता है कि उसे होटल में मजा आ रहा है या नहीं। डैनी बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस करता है, लेकिन जवाब में हाँ बोलता है। जैक कहता है कि वो होटल में हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहता है, फॉरएवर एंड एवर, जो कि एग्जैक्ट उन लड़कियों के वर्ड्स थे। डैनी जैक से पूछता है कि क्या वो कभी उसे या वेंडी को चोट पहुंचाएगा, और वो उसे समझाते हुए कहता है कि नहीं। वेंसडे का दिन, डैनी हॉलवे में अपने खिलौनों के साथ खेल रहा होता है, जब जैक की टेनिस बॉल न जाने कहां से उसके सामने आ जाती है। वो इस बारे में जानने के लिए उसके पीछे जाता है और देखता है कि रूम नंबर 237 खुला है। इस दौरान वेंडी होटल के बॉयलर्स को ठीक करने की कोशिश करती है, पर तभी उसको जैक के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो भागते हुए उसके पास पहुंचती है और देखती है कि वो एक बुरा सपना देख रहा है। वो उठता है और वेंडी को बताता है उसने ये सपना देखा कि उसने वेंडी और डैनी को मार के उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। वो ये बात मानता है कि उसका दिमागी संतुलन गड़बड़ा रहा है। उसी वक्त डैनी वहां आता है और वेंडी देखती है कि उसकी गर्दन पे चोटों के निशान हैं। वो फौरन ये मान लेती है कि इसके लिए जैक जिम्मेदार है, और डैनी के साथ वहां से चली जाती है। वेंडी के इस इल्जाम पे नाराज होते हुए जैक बड़बड़ाता हुआ हॉल्स की तरफ जाता है और होटल के गोल्ड रूम बार में पहुंच जाता है। वो अपने आप से बातें कर रहा होता है। उसे बियर पीने की इच्छा होती है। लॉयड नाम का बारटेंडर रहस्यमय तरीके से काउंटर के पीछे आ जाता है। जैक उससे वेंडी की शिकायत करता है। कुछ पलों बाद वेंडी गोल्ड रूम में बेसबॉल बैट लेकर आती है। वो घबराते हुए जैक को बताती है डैनी ने कहा कि एक पागल औरत ने रूम नंबर 237 में उसका गला घोटने की कोशिश की। इसी के साथ साथ डिक और डैनी दोनों को एक विजन का एक्सपीरियंस होता है। जैक रूम नंबर 237 में देखने जाता है कि माजरा क्या है, और उसे बाथटब में एक यंग खूबसूरत लड़की नजर आती है। वो जैक की तरफ बढ़ती है, वो उसे किस करना शुरू करता है, पर जब उसकी आंखें खुलती हैं उसे पता चलता है कि वो एक बूढ़ी औरत को किस कर रहा है जिसकी बॉडी सड़ रही है। वो रूम से बाहर निकलता है। वो बूढ़ी औरत उस पर हंस रही होती है और वो दरवाजा लॉक करके वहां से चला जाता है। अपने कमरे में वापस आकर जैक वेंडी से कहता है कि रूम में तो कोई नहीं है और शायद डैनी ने खुद को ही चोट पहुंचाई हो। ये बात वो डैनी के इमेजिनरी फ्रेंड्स वाली बात से जोड़कर देखता है। वेंडी सजेस्ट करती है कि उन्हें डैनी को होटल से दूर रखना चाहिए, पर जैक इस बात पर भड़क उठता है क्योंकि ऐसा करने से उसका होटल से किया गया कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा। वो वेंडी को ही अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए दोषी ठहराता है और कहता है कि वो उसे ये मौका बर्बाद करने नहीं देगा। इसी दौरान डैनी को खूनी एलिवेटर वाला विजन दिखाई देता है। डिक होटल में कॉल करने की कोशिश करता है पर कॉल नहीं लगता, तो वो रेंजर स्टेशन से होटल में रेडियो से संपर्क करने को कहता है।
जैक गोल्ड रूम पहुंचता है, वहां एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही है। वो लॉयड के साथ मिलकर एक ड्रिंक लेता है और उसे उसके पैसे भी नहीं देने पड़ते क्योंकि वो ऑर्डर्स फ्रॉम द हाउस होता है। एक वेटर वहां से गुजरते हुए जैक से टकराता है और उसकी जैकेट पे शराब गिर जाती है। वो जैक को अपने साथ रेस्टरूम में आने के लिए कहता है, जहां वो खुद को डेलबर्ट ग्रेडी के नाम से इंट्रोड्यूस करता है। जैक ये नाम पहचान जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो कभी इस होटल का केयर टेकर हुआ करता था। वो उससे ग्रेडी मर्डर्स के बारे में जानना चाहता था। ग्रेडी को कोई मर्डर्स याद नहीं थे और वो उल्टा जैक से ही कहता है कि जैक खुद हमेशा से ही इस होटल का केयर टेकर रहा है। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती है, ग्रेडी जैक को वार्न करता है कि होटल में चल रही सुपर नेचुरल चीजों के बारे में डैनी डिक से बातचीत की कोशिश कर रहा है। जैक इसका इल्जाम भी वेंडी की दखलअंदाजी पर लगा देता है। वो उसे डैनी के बारे में आगाह करते हुए कहता है कि उसकी बेटी ने बहुत साल पहले होटल को जलाने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उसने अपनी फैमिली को ठीक किया था। इधर टॉरेंस रूम में डैनी का एक और एपिसोड चल रहा है जिसमें टोनी ने उसे टेक ओवर कर लिया है। वो वेंडी को वार्निंग देते हुए कहता है कि अब डैनी यहां नहीं है। लॉबी में चलते हुए जैक को होटल का रेडियो सुनाई देता है और वो उसके 3 इंटरनल पार्ट्स हटा देता है। रेंजर्स डिक को इन्फॉर्म करते हैं कि वो होटल से संपर्क नहीं कर पाए, तो डिक एक प्लेन में डेनवर के लिए रवाना होता है। वहां पहुंच के वो लोकल मैकेनिक लैरी को कॉल करता है और उससे झूठ बोलता है कि उसे ओवरलुक का एक्सेस चाहिए ये जानने के लिए टॉरेंस फैमिली को रिप्लेस करने की जरूरत है या नहीं। लैरी उसके टाउन पहुंचने पर उसे एक स्नो कैट किराए पर देने के लिए मान जाता है। वेंडी हाथ में बेसबॉल बैट लेकर कोलोराडो रूम में जैक को ढूंढती है, जहां उसे जैक के लिखे गए पेपर्स मिलते हैं और उसे एहसास होता है कि उसने तो हजारों बार सिर्फ एक ही लाइन लिखी है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। अचानक वो वेंडी के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और पूछता है कि तुम्हें ये कैसा लगा। वो उससे दूर हो जाती है और बैट पे अपनी पकड़ और मजबूत करती है। वेंडी घबराते हुए कहती है कि उन्हें डैनी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जैक गुस्से में उस पर इल्जाम लगाता है कि वो होटल के प्रति उसकी जिम्मेदारी को नहीं समझ रही है। होटल की विशाल स्टेयरकेस पे उसका पीछा करते हुए जैक उसका भेजा उड़ाने की धमकी देता है, तो वेंडी बैट से उसके सर पे मारती है। वो नीचे गिर जाता है। वेंडी उसे घसीटते हुए होटल किचन में ले जाती है और उसे स्टोरेज रूम में लॉक कर देती है। वो अपनी सुरक्षा के लिए वहां से एक चाकू भी उठा लेती है। हालांकि जैक ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि वो उसे डराने के लिए माफी चाहता है और वो डैनी को डॉक्टर के पास ले जाएगा, लेकिन वेंडी उसे आराम से समझाती है कि वो यहां से डैनी को स्नो कैट में ले जाएगी। जैक हंसता है और उसे एक बड़ा सरप्राइज देने का वादा करता है। वेंडी को बाहर स्नो कैट इंजन के पीसेस मिलते हैं। डेलबर्ट ग्रेडी स्टोरेज रूम का दरवाजा खटखटाता है, जहां जैक एक झपकी से उठ रहा है। ग्रेडी जैक को अपनी फैमिली से निपटने के लिए एनकरेज करता है इन द हार्शेस्ट वे पॉसिबल। जैक मान जाता है और ग्रेडी स्टोरेज रूम का दरवाजा खोल देता है। होटल रूम में डैनी को फिर से एक विजन नजर आता है और वो एक ही वर्ड रिपीट करता है, रेड रम। वो इसे लिपस्टिक से बाथरूम के दरवाजे पर लिखता है। उसके हाथ में चाकू होता है और वेंडी उसकी आवाज से जागती है। वो उसे नाइफ वापस ले लेती है और आईने में देखती है कि उसने तो मर्डर को उल्टा लिखा हुआ है। कुछ सेकंड्स बाद ही जैक उनके होटल रूम के दरवाजे पे कुल्हाड़ी मारता है और वेंडी डैनी के साथ बाथरूम में छिप जाती है। वो डैनी को बाथरूम की खिड़की से निकालने में मदद करती है, लेकिन वो खुद उसमें से नहीं निकल पाती। जैक बाथरूम के दरवाजे तक पहुंच जाता है और उसे भी काटना शुरू कर देता है। यहां वो जॉनी कार्सन एंड द 3 लिटिल पिग्स का अजीब रेफरेंस देता हुआ नजर आता है। वो अंदर से लॉक खोलने की कोशिश करता है और वेंडी उसके हाथ पे चाकू से हमला कर देती है, जिससे वो टेम्परेरली घायल हो जाता है। दोनों बाहर से आ रही स्नो कैट की आवाज सुन के रुक जाते हैं, जिसे डिक चला रहा है। डिक होटल लॉबी में घुसते हुए कहता है, हेलो, यहां कोई है? और जैक उसकी आवाज को फॉलो करता है। अचानक जैक एक कॉलम के पीछे से कूद के आता है
और कुल्हाड़ी से डिक की छाती पर हमला करता है। डिक की वहीं मौत हो जाती है। इतने में डैनी चिल्लाता है, जो होटल में वापस घुस चुका था और किचन कबर्ड में छुपा था। जैक उसकी आवाज को फॉलो करता है। इस दौरान वेंडी बाथरूम से निकलती है और भागती हुई पूरे होटल में डैनी को ढूंढने की कोशिश करती है। रास्ते में वो कई सारी डरावनी चीजें देखती है, जैसे पार्टी करते हुए कंकालों से भरा एक कमरा और ब्लडी एलिवेटर जो डैनी ने विजन में देखी थी, और इसके अलावा फेलेशियो परफॉर्म करता हुआ एक बेयर की कॉस्ट्यूम वाला आदमी। जैक डैनी का पीछा करता हुआ बाहर चला जाता है और हेज मेज की बाहर की लाइट्स को ऑन कर देता है। दोनों बाप और बेटा बर्फ से भरी भूल भुलैया में घुस जाते हैं और डैनी को एहसास होता है कि जैक उसके पैरों के निशानों का पीछा कर रहा है। धीरे से बैक ट्रैक करते हुए डैनी अपना रास्ता बदल देता है। इससे जैक कंफ्यूज हो जाता है और मेज से अच्छी तरह वाकिफ होने की वजह से डैनी मेज से बाहर आ जाता है। डैनी वेंडी को डिक की स्नो कैट चलाते हुए देख लेता है और उसके साथ बैठ जाता है। वो दोनों वहां से भाग जाते हैं और जैक को ठंड में और कंफ्यूजन वाली हालत में ही छोड़ जाते हैं। अगली सुबह तक जैक भूल भुलैया में ही पूरी तरह से जम जाता है। बिल्कुल एंड में हम होटल की किसी पार्टी की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को गोल्ड रूम के बाहर की दीवार पर टंगा हुआ देखते हैं, जिसपे लिखा होता है July 4th Ball 1921। कैमरा जूम होता है और हम देखते हैं कि जैक भी पिक्चर में मौजूद है और फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके टाइटल के बारे में। द शाइनिंग टाइटल नाम डैनी की स्पेशल पावर से लिया गया है, जिसमें वो चीजें देख सकता है और ऐसे तरीके से बात कर सकता है जो ना के बराबर लोग ही कर पाते हैं। और जैसा कि हमने बात की, इस पावर को डिक नाम देता है क्योंकि उसकी दादी ने उसे ये बताया था। डैनी की ये पावर फिल्म में एक बहुत ही अहम रोल निभाती है, क्योंकि इसी के जरिए वो डिक को मदद के लिए बुला पाता है जब उसका पिता पागल हो जाता है। अब ये तो सच है कि डिक डैनी को नहीं बचा सकता, पर वो अपने साथ स्नो कैट लाया, जिससे वेंडी और डैनी होटल से भाग पाए। ये बात बड़ी ही दिलचस्प है कि स्टीफन किंग और स्टैनली क्यूब्रिक दोनों ने ही इस टाइटल को चुना, बावजूद इसके कि ये फिल्म की मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटेल नहीं है। जाहिर है, होटल में बहुत सारी ऐसी सुपरनेचुरल चीजें घट रही थीं जिससे डैनी का कोई लेना देना नहीं था, पर फिर भी इस पावर को टाइटल के लिए चुनना ये साबित करता है कि जैक नहीं बल्कि डैनी इस फिल्म का सबसे अहम किरदार है। और ये एक ऐसी चीज है जो हमें हमेशा जहन में रखनी पड़ सकती है, क्योंकि मूवी जैक पर ही सबसे ज्यादा फोकस करती है। अब आते हैं सिंबल्स पर। पहला सिंबल है भूल भुलैया। भूल भुलैया फिल्म में बहुत रोल निभाती है, खासकर क्लाइमैक्स में। डैनी आखिरकार अपने पिता को फंसाने और गुमराह करने के लिए मेज का ही इस्तेमाल करता है और वो अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। वो ये कैसे कर पाया, ये हमें पता चलता है पहले के सीन से, जिसमें जैक उन्हें खिड़की से मेज के सेंटर में पहुंचते हुए देखता है। उन्हें ये करने में ज्यादा परेशानी नहीं होती, शायद उन्होंने इस चीज की प्रैक्टिस भी की हो, शायद जैक उनकी इसी काबिलियत से जल रहा था। इसलिए ये भूल भुलैया यहाँ फैमिली लाइफ के साथ जुड़ने में आने वाले ऑब्स्टेकल्स का सिंबल है, जिसमें डैनी और वेंडी डैनी पे आई मुसीबतों के बावजूद मजबूती से साथ में रहते हैं। डैनी और जैक मेज की वजह से अलग हो जाते हैं, जो आखिरकार जैक को हरा ही देती है। दूसरा है रूम नंबर 237। पूरी मूवी में डर ओवरलुक होटल के रूम 237 के इर्द गिर्द ही घूमता है। डैनी को होटल में घुसने के एक घंटे के अंदर ही पता चल जाता है कि उस रूम में कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो इस बारे में डिक से पूछता है। डिक उसे दूर रहने को कहता है। यहाँ हम हेलोरन का डर समझ सकते हैं, क्योंकि ये फिल्म हमें ऐसा मानने को कहती है कि रूम नंबर 237 का डेल्बर्ट ग्रेडी के पूरे परिवार के मर्डर से कुछ न कुछ लेना देना तो है। डिक ये पहले से जानता था, साथ ही साथ डिक ये भी मानता है कि जब कुछ बुरा होता है तो वो चीज उस जगह पर अपना कोई निशान छोड़ जाती है। ऐसा हम पूरे ओवरलुक होटल में होता हुआ देखते हैं। इस फिल्म के मुताबिक शैतानी चीजें असल में कभी किसी जगह से जाती ही नहीं है, और यही बात डैनी और डिक को परेशान किए रहती है। तीसरा है लाल रंग। लाल रंग फिल्म के आर्ट डिजाइन में हर कहीं देखने को मिलता है।
एंड से कुछ देर पहले टोनी डैनी को टेक ओवर कर लेता है वेंडी को रेडरम के बारे में आगाह करने के लिए। जैसा कि हमें पता है ये मर्डर को सिग्निफाई करता है, लेकिन ये होटल के अलग रेड रूम्स को भी सिग्निफाई करता है। ये उस बाथरूम को भी रेफर कर सकता है जहां जैक डेल्बर्ट ग्रेडी से बात करता है, क्योंकि यहीं वो जैक को अपने परिवार को मारने के लिए कन्विंस कर लेता है। डैनी दरवाजे पर भी रेडरम लिखता है, यहां भी वो रेड लिपस्टिक का ही यूज करता है। इससे वो बाद में आने वाले दरवाजे के अहम रोल को माफ करता है। बहुत सारी रेड चीजों के अलावा लिफ्ट से खून निकलने वाले सीन में भी लाल रंग ही सबसे अहम भूमिका निभाता है। पांचवा है डबल्स। यहां बहुत सारी चीजों को डबल्स के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जिसमें सबसे अहम और यादगार है ग्रेडी जुड़वां पहने। इनके अलावा भी यहां दो ग्रेडी हैं, पुराना केयरटेकर चार्ल्स ग्रेडी और बाद में जिससे जैक मिलता है डेल्बर्ट ग्रेडी। टोनी भी यहां डैनी की स्प्लिट पर्सनैलिटी की तरह काम करता है। इनके अलावा पूरी फिल्म में बहुत सारे मिरर्स वाले सीन डाले गए हैं, जैसे जब हम पहली बार टोनी से तब मिलते हैं जब डैनी आईने में देख रहा होता है, बाद में हम जैक को उसकी रिफ्लेक्शन के साथ देखते हैं जब वो टोनी को कहता है कि वो उसे हर्ट नहीं करेगा। छठा है द थ्री लिटिल पिग्स। जैक बाथरूम का दरवाजा तोड़ते वक्त द थ्री लिटिल पिग्स कहानी की लाइंस बोलता है, क्योंकि यहां वो खुद को उस भेड़िए से कंपेयर कर रहा है जिसने इस कहानी में तीन में से दो पिग्स को खा लिया था, लेकिन तीसरा उसे बेवकूफ बना के बच जाता है। और यही सेम चीज क्लाइमेक्स में डैनी भी जैक के साथ करता है। अब आते हैं इस फिल्म के सबसे जरूरी चीज यानी इसकी एंडिंग पर। शुरुआत करते हैं वेंडी की कहानी से। भले ही हमें ऐसा महसूस ना होता हो, पर वेंडी इस फिल्म का बहुत ही अहम किरदार है, क्योंकि जब जैक पागलपन की तरफ बढ़ रहा होता है तो वही होती है जो परिवार को जोड़े रखती है, ओवरलुक के हीटिंग सिस्टम की देखरेख करती है और फोन लाइन्स बंद होने के बाद फॉरेस्ट सर्विसेज से बात भी करती है। वो अपने बेटे के लिए बहुत सारा इमोशनल अब्यूज झेलती है और आखिर में इतना साहस बटोर लेती है कि डैनी को लेकर स्नो कैट में वहां से निकल जाती है। हमें नहीं पता होता कि अब आगे उसकी जिंदगी में क्या होगा, लेकिन जैक ने फिल्म में बताया है कि वो हॉरर फिल्म्स की दीवानी है, और जब उसने अपनी खुद की हॉरर फिल्म को जिया है तो शायद वो इस कहानी को पब्लिकली शेयर करना चाहेगी। यू नेवर नो, ऐसा हो भी सकता है। अब बात करते हैं डैनी की। डैनी की उम्र वैसे भी बहुत कम है और जो कुछ भी क्लाइमैक्स में घटा है इसका उस पर बहुत ही गहरा असर पड़ेगा। अगर हम नॉवल में देखें तो स्टीफन किंग ने द शाइनिंग के सीक्वल में डैनी के फ्यूचर के बारे में लिखा है। वो अपने पिता की ही तरह शराबी बन जाता है और उसे हॉस्पिटल में जॉब मिल जाती है। वो एक बार फिर एक ऐसी छोटी लड़की से मिलता है जिसके पास शाइनिंग की पावर है। वो उसे वैम्पायर से बचाने के लिए लड़ता है। ये सब हमें देखने को मिलेगा इसी साल दिसंबर में आने वाली फिल्म डॉक्टर स्लीप में, जो स्टीफन के सेम नाम के सीक्वल पे बेस्ड है। द शाइनिंग में भी क्यूब्रिक ने डैनी के रोल में काफी बड़े बदलाव किए थे और अब देखना होगा कि डॉक्टर स्लीप में उसे किस तरह से शुरू किया जाता है। अब आते हैं इस फिल्म की सबसे रहस्यमय चीजों में से एक पर, एंडिंग की जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा डिस्कशन किए गए हैं वो है लास्ट शॉट में दिखाई जाने वाली ये तस्वीर, जिसमें लिखा है 4 जुलाई 1921 और इसमें जैक भी मौजूद है। इसके दो मतलब निकाले जा सकते हैं। जैसे जैक अपना पास्ट दोबारा से जी रहा है और शायद आज वो एक ऐसी दुनिया में मौजूद है जहां सारे दौर एक साथ आ गए हैं। ये भी हो सकता है कि जैक ओवरलुक में रहकर अपने पहले लिखे गए भाग्य को पूरा कर रहा है और होटल हमें वही सब दिखा रहा है। लेकिन जो सबसे पॉपुलर थ्योरी है जिसपे सबसे ज्यादा लोग यकीन रखते हैं वो ये है कि जैक एक हिंसा और मौत की साइकिल में फंसा हुआ है जो ओवरलुक होटल और यहाँ रहने वालों के ऊपर हमेशा हावी रहती है, और जैक की आत्मा हमेशा अवतार लेकर किसी न किसी तरह होटल में ही वापस आ जाती है। इसका सपोर्ट बाथरूम में जैक और ग्रेडी के बीच हुई बातचीत करती है, जब ग्रेडी उसे बताता है ही इज ऑलवेज बीन द केयर टेकर। और अगर देखें तो ये एक्सप्लेनेशन एक तरह से सटीक भी बैठती है। यहाँ की सब चीजें देखकर ये तो समझ में आ जाता है कि ओवरलुक एक ऐसी जगह है जहां इतिहास खुद को दोहराता है और जैक हमेशा से ही इस इतिहास का हिस्सा रहा है। अगर फिल्म को आपने बारीकी से देखा है तो आपको लास्ट सीन के अलावा भी कई जगह फ्रेम्ड ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज देखने को मिलती हैं, जिसमें उलमन के मुताबिक सभी बड़े लोग शामिल हैं और ये ओवरलुक हिस्ट्री का अटूट हिस्सा है। तो अगर जैक ने पुराने गेस्ट के रूप में दोबारा से जन्म लिया था
और अगर वो हमेशा से ही इस फोटो में था तो इसके बहुत ही कम चांसेस हैं कि उसे किसी ने नहीं देखा, चाहे क्यूरियोसिटी के तौर पर हो या एक्सीडेंटली हो। पर इस पे ध्यान तो जरूर जाना चाहिए था, लेकिन इस चीज का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। इस फोटो के अलावा भी इसमें एक बहुत ही अजीब और रहस्यमय चीज होती है, और वो है बेयर कॉस्ट्यूम पहने हुए एक आदमी। ये जानना बहुत ही मुश्किल है कि असल में इसका मतलब है क्या। जाहिर है ये सीन भी स्टीफन किंग की बुक से ही इंस्पायर्ड था, जिसमें एक पार्टी गेस्ट डॉग की कॉस्ट्यूम में होटल की किसी पुराने मालिक के साथ होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। लेकिन फिल्म में इसे बहुत ही ज्यादा अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया है और डॉग कॉस्ट्यूम बदलकर इसे बेयर कॉस्ट्यूम बना दिया गया है। हम क्यूब्रिक से यही उम्मीद रख सकते हैं। इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस बेयर कॉस्ट्यूम वाले सीन की बेहतरीन इंटरप्रिटेशन रॉब एगर ने लिखी है, और इन्होंने इसे डिटेल में बहुत सारे एविडेंसेस के साथ समझाया है। हम यहाँ कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन अगर आपको इनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखनी है तो इनकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ कॉस्ट्यूम का बदला जाना सीन की क्रीपीनेस को बिल्कुल कम नहीं करता, लेकिन क्यूब्रिक के इस फैसले के पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक जरूर है, क्योंकि उन्होंने कॉस्ट्यूम के साथ साथ नॉवल में बताई गई पूरी की पूरी स्टोरी लाइन को हटा दिया और दर्शक और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गए। बेयरमैन साइकोलॉजिकली एक बहुत ही डरावनी चीज थी, जिसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये डैनी के साथ हुए सेक्सुअल अब्यूज का सबसे बड़ा सबूत है। जी हाँ, जैक ने उसे पीटने के अलावा उसके साथ ये घिनौना काम भी किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, लेकिन इस इंटरप्रिटेशन में इतने सारे सपोर्टिव एविडेंस दिए गए हैं कि आप भी ऐसा मानने पे मजबूर हो जाएंगे। इसके होने का अंदाजा तब का बताया जाता है जब जैक डैनी को अपने पास बैठने के लिए बुलाता है, और तभी हमें उसके भयानक चेहरे वाली मिरर इमेज दिखाई जाती है। चलिए इसे शुरुआत से समझते हैं। मूवी के 13 मिनट्स होते हैं और डैनी अपने बेडरूम में उठता है। उसका तकिया बेयर जैसा है, और फिल्म के एंड से 13 मिनट पहले ही हम बेयरमैन को देखते हैं। इसके बाद जो हम बाथरूम वाला शॉट देखते हैं, जिसमें डैनी झुक के ब्रश कर रहा होता है, वो बेयरमैन वाले शॉट से काफी मिलता जुलता है। ये सिमिलैरिटीज जानबूझकर रखी गई थी। डैनी के बेड के ऊपर भी एक बेयर्स का पोस्टर था, जिसमें छोटा वाला बेयर अपने घुटने के बल बैठा था। इसके अलावा भी यहाँ एक और जरूरी सवाल खड़ा होता है कि टोनी डैनी के मुंह में ही क्यों रहता था। ये माना जाता है कि जब भी कोई किसी नई पर्सनैलिटी को डेवलप करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई ट्रॉमा जरूर होता है। ये सब हुआ डैनी के साथ हुए गलत कामों की वजह से। डॉक्टर वाले सीन में भी अगर आप देखें तो वो अपने क्रॉच एरिया पर अपने दोनों हाथ रख लेता है, जैसे वो इसे किसी से प्रोटेक्ट कर रहा हो। अब आते हैं रूम नंबर 237 पे। वो जैक था जिसने डैनी को फिजिकली असॉल्ट किया, ना कि वो बूढ़ी औरत। वो बूढ़ी औरत उस बुरे काम का मेटाफोर है जो जैक ने डैनी के साथ किया, और इसी वजह से उसे मिरर में दिखाया जाता है। यहाँ एक और दिलचस्प चीज सामने आती है कि वेंडी इस इंसिडेंट के बाद डैनी को उसी तरह पकड़ती है जैसे जैक ओल्ड लेडी को पकड़ता है, और उसने जैक का वही ब्लू रोब पहना हुआ होता है जो उसने डैनी को अब्यूज करते वक्त पहना था। वेंडी भी इस वक्त मिरर की तरफ देखती है, और अगर आप इसे जैक वाले सीन के नजरिए से देखें तो जैक ने डैनी को पकड़ा हुआ है और आईना हमें उसकी घिनौनी करतूत के बारे में बताता है। इस अब्यूज का एक और सबूत हमें देखने को मिलता है बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब कुछ सेकंड्स के लिए जैक को प्लेगर्ल मैगजीन पढ़ते हुए दिखाया गया है, जिसमें एक आर्टिकल इंसेस्ट के ऊपर भी था। तो क्या ये सब चीजें महज एक इत्तेफाक हो सकती हैं? मुझे नहीं लगता कि क्यूब्रिक ऐसा कुछ करेंगे। टूथब्रश वाले सीन में देखें तो डैनी की टी शर्ट पे 42 लिखा होता है। इसका भी यहाँ एक सिग्निफिकेंस ढूंढा जा सकता है। लॉबी में डैनी और वेंडी एक फिल्म देख रहे होते हैं जिसका नाम होता है समर ऑफ 42, जो एक ऐसे यंग लड़के के बारे में है जिसे अपने से काफी बड़ी औरत से प्यार हो जाता है। ये अब्यूज वाले सीन से बिल्कुल पहले का सीन है। ये नंबर 42 उस फिल्म के सेक्सुअल कंटेंट से मिलता जुलता बताया जाता है। जो सीन हम लॉबी में देखते हैं उसमें वो औरत उस यंग लड़के से कहती है कि बैठ जाओ तब तक मैं लंच बनाती हूं। वेंडी इस सीन के आखिरी डायलॉग में यही कहती है, मेक श्योर यू कम राइट बैक 'cause आई एम गोना मेक लंच सून।
ये तब होता है जब डैनी अपना फायर इंजन टॉय लेने जा रहा होता है। इस सीन की इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि ये सीन टीवी के जूम एंगल से ही शुरू होता है और बाद में हमें पता चलता है कि वेंडी और डैनी वो फिल्म देख रहे हैं। एक और चौंकाने वाली चीज है जिसके कई सारे हिंट्स फिल्म में दिए गए हैं और वो ये है कि वेंडी जानती थी कि उसके बेटे को अब्यूज किया जा रहा है और वो इस चीज को या तो नकार रही थी या छुपा रही थी। जब डॉक्टर पूछती है कि टोनी कौन है तो वो झट से डिफेंसिव मोड में जवाब देती है कि टोनी उसका इमेजिनरी फ्रेंड है। ऐसा लगता है कि वो नहीं चाहती डॉक्टर को इस बारे में पता चले। उसके और जैक के रिश्ते में अब इंटीमेसी की बहुत ही ज्यादा कमी है और तो और वो प्लेगर्ल मैगजीन भी पढ़ता है। वेंडी से रिलेटेड यहाँ एक और अजीबोगरीब चीज है। बेसमेंट के बिलबोर्ड पे हमें कई सारी पोर्नोग्राफिक पिक्चर्स देखने को मिलती हैं और अगर वेंडी ही बेसमेंट का सारा काम करती है तो ये पिक्चर्स यहाँ आई कैसे? ये वेंडी ने रखी है या जैक ने? ज्यादा चांसेस जैक के हैं क्योंकि जैक को एक दो बार दूसरी लड़कियों को घूरते हुए दिखाया गया है। डॉक्टर वाले सीन में हमें टेबल पर बुक और न्यूज़पेपर रखे नजर आते हैं जिसका टाइटल पढ़ना थोड़ा मुश्किल है पर अगर क्लैरिटी ठीक हो तो उसे पढ़ा जा सकता है। उसमें एक न्यूज़पेपर में लिखा होता है इलनेस एज मेटाफोर, जिसे लिखा है सुजैन सॉन्टेज ने। ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल आर्टिकल था जिसमें यह दावा किया गया था कि मेडिकल प्रोफेशंस में कई बार फिजिकल हेल्थ को गलती से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की अभिव्यक्ति समझ लिया जाता है। इससे क्यूब्रिक हमें यह दिखाना चाहते हैं कि डॉक्टर जो डैनी की प्रॉब्लम्स को नकार रही है वो एक बहुत ही बड़ी गलती है। या तो उसने ऐसा जानबूझकर किया या उसने इसे इग्नोर करना बेहतर समझा। जो आखिरी हिंट हमें डैनी के अब्यूज का मिलता है वो है जैक और वेंडी में डैनी की चोट को लेकर हुई बहस के बाद जैक का डैनी के बेडरूम को अजीब तरह से देखना। हमने इसके बारे में इतनी चीजें जानी पर ये पूरी एंडिंग हमें क्या मैसेज देती है? तो कुल मिला के ये फिल्म है किस बारे में? जितनी भी चीजें हमने इसके बारे में जानी उसका सार देखें तो यही लगता है कि ये फिल्म ऐसी हिंसा के बारे में है जो खुद को दोहराती है और इस बारे में भी है कि हम कुछ भी करके स्पेक्टर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास की काली छाया से नहीं बच सकते। द ओवरलुक उस जगह पर बना है जहां गोरे लोगों ने नेटिव अमेरिकन्स की बेरहमी से हत्या की और आगे भी यहां खून खराबा होता रहा। जैक हमेशा से ही केयर टेकर रहा है। ओवरलुक में आते ही उसकी शराब पीने की इच्छा फिर से उजागर होने लगी। वेंडी ने देखा कि डैनी को चोट लगी है और उसने फौरन ऐसा सोच लिया कि ये काम जैक का ही है क्योंकि वो पहले भी ऐसा कर चुका है। ग्रेडी ने अपनी फैमिली को मारा और उसकी बेटियों ने डैनी को वार्न किया कि उसके साथ क्या होने वाला है। जैक ने भी लोगों को मारने के लिए ग्रेडी की ही तरह कुल्हाड़ी को चुना और फिर एंड आते आते जैक के अलावा सिर्फ डिक वो इंसान था जिसकी मौत हुई। वेंडी और डैनी बिना किसी हार्म के वहां से निकलने में कामयाब रहे। तो क्या इसका मतलब यह है कि उनके वहां से बच के निकल जाने से उन्होंने ये वॉयलेंस की साइकिल तोड़ दी? यहां ये बात तो साफ नहीं है पर अच्छी बात यह है इसकी उम्मीद जरूर की जा सकती है। तो दोस्तों ये था द शाइनिंग का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको अब ये मूवी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ सवाल या ओपिनियंस हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।